तो हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं आज लेकर आई हूँ पेटीकोट, जिसकी जो मुझे बहुत लंबा है, तो इसके लिए मैं इसकी कटिंग करके सिलाई करने वाली हूँ। कटिंग करने के बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो कटिंग कैसे करनी है ये बता देती हूँ। यहाँ से मैंने जो है, मुझे सिर्फ कटिंग करनी है, नीचे जो सिलाई लगी हुई होती है, जो पेटीकोट में सिलाई लगी हुई होती है, उसको मुझे सिर्फ, मुझे मेरा पेटीकोट जो है इतना ही, 1 इंच बड़ा है। तो मैं इसकी कटिंग कर और इसको जो है मोड़ दूंगी ऐसे करके। और इसको अगर मैं ऐसे करके मोड़ूंगी तो यहाँ से जो है काफ़ी मोटा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं ये वाली कटिंग कर लेती हूँ। तो चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अगर आपको इससे भी छोटा रखना है तो ऊपर से मेजरमेंट इसका ले लेंगे। यहाँ से लेते हुए इसका मेजरमेंट जो है ले लेंगे। मेजरमेंट लेने के लिए इंची टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा हमारा इंची टेप, और इंची टेप से जो है यहाँ से हम इसकी लंबाई, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और डबल फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से इसको ऐसे करके रख लीजिए। और यहाँ से जितनी लंबाई आपको रखनी है, यहाँ से आप अपनी पूरी लंबाई इसकी रख सकते हैं। मैं यहाँ मशीन पर बैठी हूँ और इसकी लंबाई नापने के लिए आप नीचे बैठकर अच्छे तरीके से इसकी जो है लंबाई नाप सकते हैं, ये देखिए। और मैं धीरे धीरे करके ऐसे करके नाप रही हूँ और ऐसे करके, और ये देखिए ऐसे करके मुझे जो है अपनी पेटीकोट की लंबाई जो है 35 इंच रखनी है। और 35 इंच रखने के लिए ये देखिए मेरा जो पेटीकोट है 35 इंच पे यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर जो है मैं इतना कटिंग कर दूँगी। और यहाँ मैं निशान लगा लेती हूँ। तो ये लगा लिया है मैंने निशान, और निशान लगाने के बाद ये चारों तरफ जो है निशान लगा कर मैं इसकी कटिंग इतना एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी ताकि ये अंदर की साइड मुड़ कर जाए और सिलाई हो जाए। तो ये देखिए यहाँ से मेरा पेटीकोट इतना लंबा है, और इसको इतना यहाँ से नहीं काटना है। और इसके लिए मार्जिन के लिए भी कपड़ा रखना है, और इसलिए मैंने यहाँ पे ये दो निशान लगाए हैं। ये इतना जो है मार्जिन हो गया है, और इसको जो है ऐसे करके हम इसको मोड़ देंगे। और पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसकी करते हैं कटिंग। कटिंग करने के लिए इसको बराबर, एकदम बराबर हम रख लेंगे। और यहाँ से जो है मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो कटिंग मुझे यहाँ मैंने निशान नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे इतना ही काटना है। और ये मेरा ऑलरेडी निशान लगा ही हुआ है, जहाँ से सिलाई है यहाँ ख़त्म हो रही है, मैं वहाँ से ही यहाँ से काटना है। ये देखिए, तो इसको हम कर देते हैं अलग। ये देखिए यहाँ से मैं अलग कर दूंगी इसको, ये देखिए। और यहाँ से आप बराबर बराबर रख लीजिए और नीचे से कटिंग कर दीजिए। और नीचे से कटिंग करते समय आप नीचे ज़मीन पर, यानी कि फर्श पे या फिर किसी टेबल पर अच्छे तरीके से रख कर ही कटिंग करें, क्योंकि मैं यहाँ मशीन पर कर रही हूँ। और अगर आप मशीन पे रख कर कर सकते हैं तो आप मशीन पर रख कर भी कर सकते हैं। मेरी आदत यहाँ मशीन पर ही करने की है, तो इसलिए मैं यहाँ ही कटिंग कर लेती हूँ इतनी सी जगह पे। तो यहाँ पर ये हमने कटिंग कर लिया है, ये देखिए। तो ये हमारा जो कपड़ा है ये हमारा निकल गया है। और ये देखिए इसको हमने कर देना है साइड में, और अब करनी है इस पर सिलाई।
तो यहाँ से हमने कर ली है कटिंग, और अब जितना हमको मोड़ना है नीचे से उतना जो है हम इस पर निशान लगा लेंगे। मेरे को तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर मैं दिखाने के लिए आप लोगों को निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे मोड़ना है 1.25 इंच, तो 1.25 इंच मोड़ने के लिए मेरे को यहाँ से निशान लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो है हम इतना जो है निशान लगा लेते हैं, चारों तरफ हमको ऐसे करके निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये देखिए ये ऐसे चारों तरफ निशान लगा लेंगे, और फिर हम इसको ऐसे यहाँ से जो है पकड़ के इसको जो है ऐसे करके मोड़ते जाएंगे। तो चलिए फिर निशान पूरा लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है निशान चारों तरफ, और अब मैं इसको जो है सिलाई करने वाली हूँ। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको देंगे यहाँ से मोड़, और मोड़ने के बाद जो है ये देखिए ऐसे करके मोड़ देंगे, और एक क्रीज बना लेंगे ऐसे करके, और फिर जो है इसको ऐसे करके मोड़ देंगे। और अब हम कर लेते हैं सिलाई, और सिलाई करने के लिए ये वाली जो सिलाई है इस सिलाई के ऊपर इसको रखेंगे, और आराम से यहाँ पर ऐसे करके इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये रख लिया है, और ये देखिए इसको जो है एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे, ऐसे इसको सीधा करते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे। तो चलिए फिर पूरा राउंड में इसको सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कर ली है हमने सिलाई, और अब जो है इसके ऊपर 1, 2, 3 सिलाई और लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं किनारे पर सिलाई। तो किनारे पर सिलाई लगाने के लिए ये देखिए यहाँ पर रखेंगे किनारे पे, और ये देखिए देखिए किनारे पर सिलाई कैसे लगाई है, और ऐसे ही सारी लगाते हुए हम पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है, और अब हमको इसके बगल में एक पैर की सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमको 3 सिलाई लगानी है, जितने इस चौड़ाई में सिलाई आए एक एक पैर की उतनी ही सिलाई हमको यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए दिखा देते हैं हम आपको, ये देखिए इतनी ही दूरी पे हमको यहाँ पे 2 सिलाई और लगानी है। तो टोटल हमारी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें मेरी 5 सिलाई आई हैं एक एक पैर की, यानी कि पैर इसको बोला जाता है। और इस ये देख लीजिए, तो पूरी करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो
तो यहाँ पे मेरी सिलाई जो है लग चुकी है, ये देखिए सारी सिलाई जो है लग चुकी है। ये देखिए इसी तरह आपको भी सिलाई लगा के पेटीकोट को छोटा कर लेना है और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये देखिए तो मेरा पेटीकोट तो छोटा हो गया है, आपको भी अगर छोटा करना है तो इसी तरीके से आप करिए तो बहुत ही जल्दी इजी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं ब्लॉक का एंड। बाय बाय।